मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर। मैं इस वक्त अपने नेबरहुड के पार्क वॉरन पार्क में हूँ और ये एक बहुत बड़ा पार्क है, प्लेग्राउंड है और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की गेम्स आप खेल सकते हैं जो आपका दिल चाहे। ये बिल्डिंग इसकी मेन बिल्डिंग है। यहाँ पे कुछ इंडोर गेम्स होती हैं, यहाँ पे छोटी सी लाइब्रेरी टाइप, बच्चों के लिए कुछ किताबें, और ये दिन में तकरीबन 9 बजे से लेके ये वाला ऑफिस 5 बजे तक खुला रहता है। हल्की हल्की यहाँ पे धुंध है और ये सुबह का मंजर है। सूरज अगरचे तुलू हो चुका है लेकिन अभी तक यहाँ पे रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं है। सर्दी है, टेम्परेचर कोई 40-42 फॉरेनहाइट, तकरीबन 5-6 डिग्री सेल्सियस कह लें। ये यहाँ पे पिच बनी हुई है तो लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि इस इलाके में इंडियन और पाकिस्तानी लोग रहते हैं तो यहाँ पे रोज़ाना अच्छे मौसम में बर्फबारी ना हो रही हो यकीनन तो लोग यहाँ पे आके क्रिकेट खेलते हैं। इसके अलावा ये इसके अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है, पहले यहाँ पे झूले इलेक्ट्रिक थे लेकिन अब लगता है कि वो उनकी कुछ रिपेयर की ज़रूरत है तो अभी वो एक्टिव नहीं है। इसके साथ ही ये मुलाहिज़ा फरमाइए, एक छोटा सा ग्राउंड बेसिकली लॉन टेनिस के लिए इसको यूज़ करते हैं। बहुत बड़ा पार्क, आप कह लें तकरीबन 1 स्क्वायर माइल यानी लंबाई और चौड़ाई में तकरीबन 1 मील। चूँकि आज फरवरी है, 6 तारीख है, अभी यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको दौड़ते भागते लोग नज़र आते हैं।
सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक, मैं तो इसको इस्तेमाल करता हूँ अपने स्टेप्स के लिए। स्लो वॉक या लेयर वॉक जिसे हम कहते हैं, आराम आराम से चलना, इससे यकीनन फैट बर्निंग होती है, चर्बी पिघलती है आपके जिस्म में मौजूद जो फैट्स हैं वो कार्डियक एक्टिविटी को जब आप थोड़ा सा एनहांस करते हैं, यानी बैठने लेटने से ज़्यादा कुछ चलते फिरते हैं, अगर आपका नॉर्मल हार्ट रेट 70-80 है और उसको आप दरमियानी रफ्तार से चलते फिरते आप 100 पे ले जाते हैं, 90 पे ले जाते हैं, तो इसमें ये वो फेज़ है जिसमें के फैट बर्निंग होती है। जैसा आप मौजूद हैं यहाँ पे अपने कुत्ते को टहलाने के लिए लाए हैं, ब्रिस्क वॉक ज़्यादातर कार्डियो में आ जाती है, उसमें हार्ट रेट रिलेटिवली ज़्यादा तेज़ होता है। ब्रिस्क वॉक से ज़्यादा बेहतर है कि हाँ एक और जर्मन शेपर्ड घूमता फिरता यहाँ पे, आप भी कोशिश करें कि कम से कम 10,000 स्टेप्स रोज़ाना तो ज़रूर चला करें। इसको आप समझें कि ये आपका मिनिमम है। अब इसको पूरा करने के लिए अगर आपके पास घर में ट्रेडमिल है तो उसको तकरीबन आप 2 माइल्स पर आवर या 3 किलोमीटर फी घंटा उस पे सेट कर लें। ये तकरीबन इसी स्लो वॉक या लेयर वॉक में आता है, और उस पर फिर आप आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें। सुबह के टाइम कोई 15-20 मिनट तो आपके अप्रोक्सीमेटली 2,500 स्टेप्स हो जाएंगे। फिर आप हर खाने के बाद कोशिश करें थोड़ा बहुत चल लें, और जो आम तौर पर आप दफ्तर जाते हैं, घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, दफ्तर चले जाते हैं, या बस स्टॉप पे जाते हैं, बस लेते हैं, दफ्तर चले जाते हैं, उसमें भी 2,500-3,000, 4,000 तक, 2,500-3,000 तक, 4,000 तक स्टेप्स वो हो जाते हैं। अगर सुबह की सैर में आपने 2,500-2,500 स्टेप्स कर लिए और जो रूटीन का आपका मामूल है दफ्तर का वो आपने कर लिया, तो उसमें भी 6,000-7,000 तक तो स्टेप्स आपने कर लिए। बाकी फिर आप कुछ शाम को या रात को चल लें,
10,000 स्टेप्स जो हैं वो ज़रूर पूरे करने हैं, और स्टेप काउंटर जो है उसको आपने इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज करना है। इससे आप ये देखेंगे कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर वाज़े तौर पर फ़र्क महसूस होगा और चर्बी जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि आप अपना डाइट का प्रिकॉशंस जो है वो कर रहे हो। ये ना समझिए कि आप जो मर्जी खा रहे हो तो फैट लॉस होगा। डाइटरी प्रिकॉशंस आप कर रहे हो, प्रोटीन्स आप ज़्यादा ले रहे हो, अपने बॉडी वेट के हिसाब से अगर आपका वज़न 70 किलोग्राम है तो 140 ग्राम, 2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। तो अगर आपका, या 1 ग्राम पर पाउंड बॉडी वेट, आपका वज़न अगर 180 पाउंड है तो 180 ग्राम लेने पड़ेंगे। अब ये आप ज़हन में रखें कि 180 ग्राम का मतलब है कि आपको कम अज़ कम 100 ग्राम मीट के अंदर 26-27 ग्राम प्रोटीन होती है, 400 ग्राम के अंदर 100 ग्राम, 105-6 ग्राम प्रोटीन हो गई, तो 180 पूरा करने के लिए आपको 600-700 ग्राम चिकन, फिश, बीफ, गोट ये लेना पड़ेगा। इसी तरह एक अंडे के अंदर तकरीबन 6 ग्राम प्रोटीन होती है, तो उसे आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितनी प्रोटीन खानी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।